और खबर राजधानी रांची से, जहां चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी मामले में 16 जनवरी को हो सकती है लालू यादव की कोर्ट में पेशी, और 313 के तहत होगा पूर्व सीएम का बयान दर्ज। बाकी आरोपियों का बयान दर्ज हो चुका है, तो कोर्ट में पेशी हो सकती है लालू प्रसाद यादव की 16 जनवरी को। 313 के तहत होगा पूर्व सीएम का बयान दर्ज, बाकी के आरोपियों का बयान दर्ज किया जा चुका है। तो चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले में 16 जनवरी को कोर्ट में पेश हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तीन सौ तेरह के तहत पूर्व सीएम का बयान दर्ज होगा। बाकी के आरोपियों की अगर बात करें तो उनका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। तो चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले में 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तीन सौ तेरह के तहत तो पूर्व सीएम का बयान दर्ज किया जाएगा, बाकी के आरोपियों का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले में ये पेशी हो सकती है लालू प्रसाद यादव की, 16 जनवरी को ये पेशी हो सकती है।